स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार, आप लोग के बीच जीके और जीएस की जो भी जानकारियां होता है दोस्तों आप लोग के बीच शेयर करता हूं। दोस्तों हमने बताया था पिछले पार्ट में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके स्थापना के बारे में बताया था, इसके मुख्यालय के बारे में बताया था कि जो है हमारा आरबीआई का स्थापना 1926 हिल्टन यंग कमीशन के बारे में जो बताया था, और जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कोलकाता में इसका स्थापना किया गया। दो साल के बाद जो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। अब दोस्तों बताया था कि जो है इसके कितने देश को प्रतिनिधित्व करता है, अब दोस्त देखना है कि इसका एक शाखा विदेश में भी है। अब से पूछता है कि इसका आरबीआई का शाखा एक विदेश में कौन सा देश में है, तो इसका देश में शाखा है लंदन, जो कि हमारा लंदन देश टेम्स नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपसे पूछता है लंदन देश हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो लंदन देश जो हमारा है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अब देखना है दोस्तों कि आरबीआई का प्रमुख गवर्नर, तो दोस्तों आप लोगों को अगर पता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर मैसेज करेंगे। तो चलते हैं आरबीआई के प्रमुख गवर्नर, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसवर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे हमारे ओसवर्न स्मिथ। अब इसे देखना है कि ये जो है इनका शासनकाल था 1935 से लेकर 1937। दूसरा गवर्नर थे हमारे आरबीआई के जेम्स टेलर, ये हमारे आरबीआई के दूसरे गवर्नर भी थे, जो इनका शासनकाल था 37 से 1943। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओसवर्न स्मिथ, लेकिन अगर पूछेगा क्या अगर भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन थे, जो कि भारत के व्यक्ति बने, तो भारत के व्यक्ति बनने वाले थे तीसरे गवर्नर, आरबीआई का तीसरा गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। अब आपसे पूछ सकता है सीडी देशमुख का कार्यकाल कितना था, तो सीडी देशमुख का कार्यकाल था 1943 से जुलाई 1949 तक। तो आपको बताया थी दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा 1 जनवरी 1949 में किया गया था। उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, इनका पूरा नाम अगर जानते हैं दोस्तों इसका नाम है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आरबीआई का गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, और हमारे वित्त मंत्री का पद भी संभाला है, तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर हमारे रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे जो 1982 से लेकर 1985 तक हमारे आरबीआई के गवर्नर 15वें नंबर का गवर्नर। आपसे पूछ सकता है आरबीआई का मनमोहन सिंह जो गवर्नर थे केवें नंबर का गवर्नर थे, तो 15वें नंबर का गवर्नर थे। तो दोस्तों आरबीआई का 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री का पद संभाला, पीएम का पद संभाला और गवर्नर का भी पद संभाला। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वित्त मंत्री का पद संभाला, प्रधानमंत्री का गवर्नर, तीन शासनकाल रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री गवर्नर भी रह चुके हैं।
अब दोस्तों कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर हमारे कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है हमारे वर्तमान शक्तिकांत दास। जो कि हमारे दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक वर्तमान में मौजूद है। अब आपसे थोड़ा सा घुमा सकता है कि इससे पहले गवर्नर कौन थे, तो हमारा 24वां गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। दोस्तों हमारा जब नोटबंदी किया गया था तो उस समय यही गवर्नर थे हमारे उर्जित आर पटेल। अगर पूछ सकता है 23वां गवर्नर कौन थे, तो 23वां गवर्नर दोस्तों थे रघुराम जी राजन। 22वां गवर्नर थे डी सुब्बा राव, या कहीं कहीं मिलता है डॉक्टर सुब्बा राव। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ आरबीआई के महत्वपूर्ण गवर्नर, जो कि अब आपसे पूछेगा कि गवर्नर तो एक होता है लेकिन डिप्टी गवर्नर कितना होता है, तो डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 होता है। अब ये 4 डिप्टी गवर्नर क्या होता है, तो हमने बताया था कि 4 जो होता है इसका मुख्यालय कितना जगह है, 4 ब्रांच है, 4 शाखा है। एक तो दिल्ली में इसका शाखा है, दूसरा चेन्नई में इसका शाखा है, और यहाँ एक कोलकाता में इसका शाखा है, और इसका एक मुंबई में शाखा है। अब चारों जोन यानी चारों ब्रांच यानी 4 मुख्यालय का एक एक गवर्नर होता है, उसी को कहा जाता है डिप्टी गवर्नर। तो पूछ सकता है डिप्टी गवर्नर में कितने लोग होते हैं, तो हमारे 4 लोग होते हैं, और चारों को मिलाकर एक होता है आरबीआई का गवर्नर, जो कि हमारे वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। दोस्तों अब आप लोग 21वें गवर्नर के बारे में अगर जानकारी है तो कमेंट करना, कमेंट में लिखकर बताएं दोस्तों। तो अब दोस्तों आरबीआई से क्वेश्चन बनता है कि हमारे महात्मा गांधी का फोटो यानी शुरुआत नोटों पर छपना कब से हुआ, अगर कुछ लोग जानते हैं तो कमेंट कर जरूर मैसेज करेंगे। तो हमारे नोटों का महात्मा गांधी का जो है फोटो छपना शुरुआत हुआ 1996 से। अब दोस्तों देखना है कि हमारा जो है आरबीआई, इस वीडियो में जाने हमने विदेश में शाखा इसका है लंदन में, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसवर्न स्मिथ, दूसरा गवर्नर जेम्स टेलर, तीसरा गवर्नर सीडी देशमुख जो कि भारत के रहने वाले थे और भारतीय गवर्नर भी थे, और अगर पूछेगा आपसे राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आजादी के समय, सब क्वेश्चन आएगा सीडी देशमुख से। इनका पूरा नाम चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख है। 15वें गवर्नर हमारे कौन बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और राष्ट्रपति पीएम का पद संभाला, वित्त मंत्री और गवर्नर का पद संभाला, और हमारे जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। अब दोस्तों अगर देखते हैं कि आरबीआई का जो लेखा वर्ष कब से शुरुआत होता है, तो हमारा आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 30 जून तक, आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से होता है शुरुआत, ये हुआ आरबीआई का वित्तीय वर्ष। लेकिन आप लोग को देखना है आरबीआई का लेखा वर्ष अलग होता है, भारत का वित्तीय वर्ष अलग होता है। अगर आपसे पूछेगा भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जिस तरह हम लोग अगर देख रहे हैं कि भारत का हमारा जो है 1 अप्रैल 2019 से शुरुआत हुआ और ये जाकर 31 मार्च 2020 तक क्या होगा, इस जो है एक साल का पीरियड, इसको कहा जाता है भारत का वित्तीय वर्ष। अब दोस्तों देखना मार्च महीना ही क्यों क्लोजिंग माना गया है, तो मार्च महीना जो होता है हमारे हिंदी मास का जो है फागुन यानी फाल्गुन जो होता है हमारा अंतिम महीना होता है। तो यहीं से दोस्तों आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और भारत का वित्तीय वर्ष
एक अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और किसी प्रकार अगर आप लोग को समस्या होती है तो कमेंट